जय हिंद, जय कबड्डी। दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रूहल और आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कबड्डी न्यूज 107 पर। तो दोस्तों, कई दिन के बाद आज आप फिर आपके लिए कबड्डी की न्यूज लेके आए हैं और आज की कबड्डी की न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप आज की न्यूज जो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें। और जो भी साथी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली न्यूज आप तक पहुंचती रहे। तो आज की न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की न्यूज हम शुरू करते हैं। आज की न्यूज ये है कि जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, अदर गेम के भी, लेकिन आज हम स्पेशली जो बात करेंगे वो कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए करेंगे। अपना चैनल जो है वो कबड्डी के खिलाड़ियों के लिए है, कबड्डी न्यूज के साथ। तो आज की जो न्यूज है वो ये है कि आने वाली 15 तारीख को, यानी कि इससे अगले महीने में 15 तारीख को, 15 सितंबर 2020 को आर्मी में कबड्डी की ट्रायल है। आर्मी स्पोर्ट्स कोटा में, इंडियन आर्मी में कबड्डी की ट्रायल है। कबड्डी जो खिलाड़ी खेलते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा की जो भर्ती है इंडियन आर्मी में। तो ये जो भर्ती है वो है दिल्ली में, जहां पर राजरीफ सेंटर है। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो मैं बता दूं, राजरीफ सेंटर है दिल्ली में। तो वहां पर 15 सितंबर 2020 को इंडियन आर्मी की भर्ती है स्पोर्ट्स कोटा की, जहां पर आपको ट्रायल देनी होती है। ट्रायल देने के बाद आपका जो है मेडिकल वगैरह या फिर एग्जाम वगैरह होता है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती हो जाते हो दिल्ली में। तो उसके लिए कुछ कास्ट होती है, उसके लिए कास्ट जो भी है वो आप कन्फर्म कर लेना किसी से, जैसे जाट है, राजपूत है, अहीर है और दो चार कास्ट और भी हैं, लेकिन सभी कास्ट इसमें शामिल नहीं है। आप एक बार कन्फर्म कर लेना कौन कौन सी कास्ट इसमें है। और 15 तारीख को, जिसमें आपको जो अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास नेशनल लेवल का, तो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है वहाँ पे। और शर्त ये है कि 2 साल पुराना होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा ना हो। करंट सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं सिर्फ 2 साल का होता है वो। और उसके साथ आपको 10 अपने जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको साथ लेके जाने हैं। आपका आधार कार्ड आपको साथ लेके जाना है, आपका पैन कार्ड आपको साथ लेके जाना है, और जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि 10वीं की DMC, +2 की DMC वगैरह, ये भी आपको साथ लेके जाने हैं। और अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो भी ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको साथ लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको साथ लेके जाना है। लेकिन यदि आपके पास फिलहाल कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और तो आप उसके बिना भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर बाद में टाइम मिल जाता है सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट करने के लिए जमा करवाने का आपको टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके पास DMC वगैरह, आधार कार्ड और डोमिसाइल या फिर स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट, ये जो है डॉक्यूमेंट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको लेके जाने हैं साथ में। तो सबसे पहले आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद आपकी हाइट होगी, उसके बाद आपका वेट होगा, उसके बाद आपकी ट्रायल होगी, और ट्रायल के बाद आपकी मेडिकल और जो एग्ज़ाम है वो होगा, उसके बाद आपकी जो है सिलेक्शन की लिस्ट लगेगी। तो जो भी न्यूज़ थी मैंने आप लोगों को बता दी, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 15 सितंबर 2020 को इंडियन आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा की ट्रायल है। सेंटर है दिल्ली, सेंटर का नाम है राजरीफ सेंटर दिल्ली। तो आप वहां पर जा सकते हैं और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएं साथ में, उसके बिना आपकी ट्रायल वहां पर नहीं हो सकती। तो यदि और कोई जानकारी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी वहां पर पहुंच सके और इस ट्रायल का हिस्सा बन सके। तो सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, सभी साथी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लेना ताकि आगे आने वाली भी न्यूज़ आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो इसी के साथ ही आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय कबड्डी।